नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्टेपलाइजर में कट कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से आप अगर कट करेंगे तो आपका स्टेपलाइजर 100% कट है, वो कट करेगा। देखिए, कुछ तरह की कट प्लेट हम दिखा रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह के भी होते हैं, तो कुछ में लिखा हुआ भी होता है। जैसे देखिए TTRR, देखिए इसमें लिखा हुआ है TTRR, मतलब ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर और रिले के रिले, मतलब चार वायर लगते हैं, दो ट्रांसफार्मर के और दो रिले। देखिए इसी तरह इस छोटे प्लेट में भी है, इस प्लेट में नहीं लिखा हुआ होता है, ये इस तरह की होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये देखिए सबसे छोटा जो ट्रांसफार्मर होता है उसके सबसे जो मेन पहले वायर लगी होती है लाल वायर, उनको चेक करना है। देखिए ये लगी होनी चाहिए इनपुट वाली पिन में, ये बड़ी रिले इसमें इस वाली पिन में एक वायर लगा हुआ होना चाहिए, और दूसरा वायर है वो 5-पिन सॉकेट में जिसमें चार वायर लगे हुए होते हैं उसमें लगा हुआ होना चाहिए, जिसमें ट्रांसफार्मर का मेन वायर लगा हुआ होता है। देखिए ये सेकेंडरी वायर है 909 की, इसका बीच वाला वायर काट देना है, इसका कोई भी काम नहीं है, इसको सिर्फ 0.18 वोल्टेज चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेना होगा डिजिटल मीटर। देखिए ये डिजिटल मीटर है, तो इसको 200 वोल्टेज पर लगा लेते हैं। ठीक है, 200 पर लगा लिया है। अब दोस्तों स्टेपलाइजर को बिजली से कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद में क्या करना है, जो 909 के 0.18 वोल्टेज के बारे हैं उसमें देख लेना है 18 वोल्टेज निकल रहे हैं या नहीं। देखिए 17.1 मतलब 2-3 इस तरह से निकल रहे हैं, मतलब जो 909 ट्रांसफार्मर है वो बिल्कुल ही सही वोल्टेज निकाल रहा है। तो उसके बाद में दोस्तों देखिए बिजली के बोर्ड के कनेक्शन है वो हटा दिए हैं, तो इसमें सबसे छोटी कट प्लेट के कनेक्शन करेंगे। देखिए ये सबसे छोटी कट प्लेट, तो इसमें कनेक्शन होंगे, एक दोस्तों होगा जो ग्राउंड है, देखिए जो चारों तरफ जो लाइन फैली हुई है ये है ग्राउंड, तो एक वायर लगेगा ग्राउंड की पिन में, जो कि ट्रांसफार्मर 909 का एक वायर है वो ग्राउंड की पिन में लगेगा इस तरह से, और जो दूसरा वायर है वो लगेगा, देखिए ये डायोड लगा हुआ है, तो इसमें दो सिरे होते हैं, एक सिरे में पट्टी बनी होती है, एक सिरे में पट्टी नहीं बनी होती है, तो जिस तरफ पट्टी नहीं बनी होती है उस तरफ इसको लगाना है। देखिए इसको सोल्ड कर लेते हैं, तो इसको सोल्ड कर लिया है। अब दो वायर बचे हुए हैं जो कि रिले से कट प्लेट में आकर लगेंगे, तो दो वायर अलग से दो टुकड़े ले लेते हैं, उनको पहले रिले में लगाएंगे और फिर बाद में कट प्लेट में लगाएंगे। देखिए ये हैं दो वायर जो कि जुड़े हुए हैं, और दोस्तों एक वायर लगाना है जिस तरफ पट्टी बनी हुई है उस तरफ लगाना है। चलिए जूम करके दिखाते हैं, देखिए एक वायर लगा हुआ है जिस तरफ 909 का, उसी के दूसरे छोर में लगा हुआ है डायोड के। देखिए डायोड एक तरफ पट्टी बनी हुई है, एक तरफ नहीं बनी हुई है, जिस तरफ नहीं बनी हुई है उस तरफ लगाया है 909 का वायर, और जिस तरफ पट्टी बनी हुई है उस तरफ लगाया है रिले का वायर। एक देखिए ये दूसरी वायर लगाएंगे जो कि 548 नंबर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसके एमीटर पर। देखिए ये पिन है वो खाली ही होती है ट्रांजिस्टर की, और दो पिन है पहले से ही जॉइंट हैं, तो ये देखिए पिन खाली है, इसी में इसको लगा दिया है। उसके बाद यही दोनों वायर लगाएंगे रिले में, लेकिन उससे पहले इसको चेक कर लेना है कि ये कट प्लेट है वो सही है नहीं। तो सबसे पहले बिजली बोर्ड में लगाते हैं, देखिए बोर्ड में बिजली आ गई है, तो अब कट प्लेट के वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि कट प्लेट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब निकल जाती हैं, कई प्लेटें हैं वो ख़राब निकल जाती हैं। तो इस तरह से डिजिटल मीटर को AC 200 वोल्टेज पर लगा लिया है, देखिए वोल्टेज हैं अभी नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह से इसमें दोनों वायर को दोनों मीटर की पिनों में लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से प्रीसेट घुमाते हैं, देखिए 5.5.2-3.1 वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, इसमें कम से कम जितने वोल्टेज आ रहे हैं 909 के 0.18 उससे ऊपर वोल्टेज आना चाहिए था, तो ये कम आ रहे हैं, तो ये प्लेट है वो ख़राब है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ये समझ लेते हैं कि ये प्लेट सही है और इसी में लगे रहते हैं, इसलिए ये कट नहीं कर पाती है, तो ये वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं कर रही है, तो इसमें कट प्लेट दूसरी लगाते हैं, क्योंकि सही कट प्लेट होगी तभी सही कट करेगी।
तो इसमें ये देखिए कीर्ति की कट प्लेट है, इसमें इसके कनेक्शन करते हैं। देखिए जिस तरफ TT लिखा हुआ है उस तरफ 909 ट्रांसफार्मर है, उसके कनेक्शन करेंगे। दोनों वायर उन्हीं पिनों में लगाएंगे। देखिए 909 के दोनों वायर लग गए हैं, दो वायर और लगा देते हैं। देखिए दोनों वायर लग गए हैं, अब दो वायर और लगा लेते हैं इसमें, जो कि रिले में लगेंगे दोनों वायर। तो इनको भी लगा लिया है, अब चलिए इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए बोर्ड में बिजली आ गई है। अब इसको डिजिटल मीटर में लगाकर इसके प्रीसेट को सेट करके देखेंगे कि इसमें वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखिए अभी इसमें सिर्फ 2 वोल्टेज आ रहे हैं, 0.2। चलिए प्रीसेट घुमा कर दिखा देते हैं। देखिए 34.4 वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब कम ज़्यादा वोल्टेज हो रहे हैं, ये बिल्कुल ही सही काम कर रही है। तो अब इसको रिले में कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए अगर बड़ी रिले होगी तो इसके कनेक्शन इन दोनों पिनों में लगेंगे, और छोटी रिले होगी तो इनके इन पिनों में लगाएंगे। तो चलिए इनको भी लगा लेते हैं। तो छोटी रिले में दोनों वायर को लगा लिया है। चलिए अब बोर्ड में बिजली का कनेक्शन कर देते हैं। देखिए स्टेबलाइजर का मीटर उठने लगा है, मतलब वोल्टेज इसमें आ गए हैं। तो इसको देखिए कम ज़्यादा वोल्टेज तो हो रहा है, अपर देखिए 25 वोल्टेज पर है, 25 वोल्टेज पर ही कट करेंगे। 25 वोल्टेज पर कट करके और इसको घुमाएंगे। देखिए ये कट कर गया है, मतलब 25 वोल्टेज पर ही ये थोड़ा सा कम करना है, जैसे कि 1 पॉइंट बढ़ाएंगे वैसे ही ये कट कर जाए। देखिए कट कर गया, अब इसको कम करके दिखाते हैं। देखिए देखिए कट फिर हो गया है। तो जैसे ही सुई 250 पर पहुँचेगी तो ये कट कर जाएगा, लेकिन उसको बिजली से सेट करना है, इन्वर्टर से नहीं करना है, नहीं तो ये कट कम ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप कट करना सीख गए होंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।